मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहनों के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूं। अगर आपका पति आपका कहना नहीं मानता है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देता है और जो भी कमाता है फिजूल खर्च में खर्च कर देता है या किसी अन्य औरत या लड़की के चक्कर में पड़ गया है और वो घर में एक तरफ सा यानी आपके प्रति कोई भावना नहीं है, कोई लागणी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है और दूसरे लड़की औरत के प्रेम में इतना पागल हो गया है कि सब कुछ जो भी कमाता है वो उनके पीछे बर्बाद हो जाता है, उनके पीछे खर्च कर देता है, तो ऐसे पति को कैसे वश में करना है और उसको सीधी लाइन पे कैसे लाना है और उसका प्रेम कैसे पाना है और उसको कैसे समझ में आवे कि मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, मेरे घर है, मेरे माँ बाप हैं, तो पति वशीकरण प्रयोग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर बैठे आप पति वशीकरण कर सकते हो और इसमें घरेलू वस्तु घरेलू सामग्री का ही प्रयोग होगा। अगर आप ये वशीकरण प्रयोग नहीं कर सकते हो, आचार्य सुमेर शास्त्री जी का सपोर्ट लीजिए, फोन कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। सबसे पहले पति वशीकरण में अपने सिर के बाल और आप मांग बढ़ते हो सिंदूर काजल इनकी जरूरत पड़ेगी और शक्कर शुगर की जरूरत पड़ेगी। ये सभी आइटम अपने घर पे मिल जाते हैं और ये प्रयोग शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी 6 से 8 बजे के बीच के समय में ये प्रयोग करना है ताकि इस समय में जो वशीकरण करते हैं पति वशीकरण 100% सफल होता है और तुरंत रिजल्ट आता है। तो बहनों आज का मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें और आप ये प्रयोग सीखें। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरा सपोर्ट लीजिए, मैं पति वशीकरण करके दूंगा। आपको एक ऐसा यंत्र बनाना पड़ेगा, पति वशीकरण का यंत्र, पीले पेपर पर वशीकरण का यंत्र बनाना पड़ेगा और ये यंत्र आप मांग बढ़ते उस सिंदूर से बनाना पड़ेगा, उस सिंदूर से बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद में पहले ये यंत्र बनाना सिंदूर से और उसके बाद में बीच में अपने पति का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद में वश्यामी यानी मेरे वश में हो वश्यामी लिखना, ये भी मांग बढ़ते उस सिंदूर से लिखना है। उसके बाद में काजल से पति का नाम लेके 11 11 11 11 यानी 11 11 11 11 नंबर लिखना है और काजल से ही आजीवन वश्यामी ये ऊपर लिखना है और नीचे लिखना काजल से ही कुरु कुरु स्वाहा ये आपको लिखना है। लिखने के बाद में अब इसके ऊपर अपने सिर के बाल यहां रखना है और 2 पीस लविंग लौंग होता लौंग लविंग ये रखना है। उसके बाद में 5 ताली शुगर शक्कर ये रखना है। रखने के बाद में इसको फोल्ड कर दो, इस प्रकार सावधानी पूर्वक फोल्ड कर दो यानी एक ताबीत बना दो इसका, ऐसे ताबीत बना लो। अब इस ताबीत के ऊपर एक मंत्र कर देना है, ओम क्लूम क्लूम मम पति वश्यामी। अब पति का 7 बार नाम ले लो, आज उन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा। अब 5 फूंक मार दो। अब इसको रात को जब आपका पति सोता है तो सावधानी पूर्वक, आपके पति को मालूम नहीं होना चाहिए, सावधानी पूर्वक ये पति वशीकरण यंत्र ताबीज इसके ऊपर 21 बार घुमा देना, अपने पति के बॉडी के ऊपर 21 बार उतार देना, घुमा देना है और 2 फूंक मार देना और अपने बिस्तर के नीचे रख देना है। इसी प्रकार आपको 3 दिन रात को अपने पति के ऊपर 21 बार घुमा के फूंक मार के अपने बिस्तर के नीचे रखना है। 4th दिन इसको नदी किनारे तालाब दरिया केनाल उसके किनारे जाके थोड़ा कचरा इकट्ठा करके अपने पति का 21 बार नाम लेके इसको जला दो। जलाने के बाद भी
जो राग बनती बानी बनती है वो थोड़ा सा अपने साथ लेकर घर आ जाऊँ, और उसमें घर लाने के बाद में गंगा जल में वो बानी राग उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में जब रात को आप पति पत्नी सोते हो तो उस मिश्रण से आपने घोल बनाए हैं उनसे आप एक बिंदिया लगा दीजिए, और रात को जब पति को नींद आ जाती है तो उस मिश्रण से पति के ऊपर थोड़ा वो मिश्रण छिटक देना बानी राग और गंगा जल का। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर आपके पति में आपके प्रति मोहब्बत जागृत हो जाएगी, प्रेम जागृत हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, मेरा परिवार है, और जो गलत कार्य कर रहा है, जो लड़की औरत के प्रेम में पागल हो गए हैं, उस लड़की औरत से नफरत हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आजीवन उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, आजीवन तुम्हारा पति वश में हो जाएगा। आप बधाई दोगे पंडित जी, जो आपने पति वशीकरण का प्रयोग बताया है वो सफल हुआ है, मेरा पति मेरे वश में हो गया है, आजीवन मेरा कहना मानता है। बहनों, सक्सेसफुल ये प्रयोग है और अजमाया हुआ ये प्रयोग है, वशीकरण का प्रयोग जरूर फायदा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अनेकों आपकी समस्या हैं और जो मैं वीडियो बनाता हूँ सत्य सत्य वीडियो बनाता हूँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जय श्री कृष्ण।